हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे डेली एमसीक्यूज़ में। तो सबसे पहले तो मैं अपनी गलती बताना चाहता हूँ जो कल मैंने करी थी, जो डेली एमसीक्यूज़ के डे 6 के दिन थी। दो गलतियाँ थी जो पॉइंट आउट किया गया था, सब्सक्राइबर्स ने पॉइंट किया था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने पॉइंट किया और गलती थी तो जो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं पहले तो मैं बता दूँ कि क्या क्या गलती मैंने उसमें करी थी जो थी, ताकि जो लोग जिन्होंने नहीं देखा होगा वाला लेक्चर या देखा होगा नहीं समझ पाए उनके लिए। तो सबसे पहले थी बॉम्बे डक, मैंने उसमें हन बताया था जबकि वो फिश होती है। तो एक ये है, और एक और गलती थी जो कि उस SDI से रिलेटेड थी। यहाँ पे GDP पर कैपिटा की जगह GNI पर कैपिटा होता है, ठीक है। तो ये दो थी और मैं इसके लिए काफ़ी अपोलोजाइज करता हूँ क्योंकि मेरी तरफ से गलती हुई। थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम से बिजी चल रहा था, इसलिए काफ़ी जल्दी जल्दी मैंने बनाया, तो इससे काफ़ी ये गलतियाँ हो गई। और कोशिश करूँगा कि आइंदा से कोई भी गलती ना हो। और काफ़ी बिजी चल रहा था मैं 5-6 दिनों से, इसलिए मैं रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रहा था। अब मैं फ्री हो गया हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के सामने ये जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कॉड लीवर तक 35 तक डिस्कस कर लिया था, 36 क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है रोहू एंड कतला। तो रोहू कतला जो होता है क्या होता है, फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं और सी सुटे हुआ कल्चरल फिश। तो इसका ऑप्शन क्या है, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट चलूँगा, ठीक है, ओके। इनलैंड फिशरीज, इनलैंड फिशरीज का मतलब होता है कि रेजिंग कल्चरल फिशेज फ्रेश वाटर में होता है जो आप कमर्शियल पर्पज़ से यूज़ करते हैं। और डीप सी तो होता नहीं क्योंकि सी तो आप वहाँ पर जाएंगे नहीं। रोहू एंड कतला जो है वो इनलैंड फिशरीज में आते हैं, ठीक। तो फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट है फिजर फिश प्रिजर्वेशन। ये मैंने लिख दिया था कि फिश प्रिजर्व, जैसे मान लो आप किसी मार्केट में आपका फिश की दुकान है, आप कहीं से इम्पोर्ट करो, तो मान लो आप दिल्ली में बैठे हो, आपको फिश वेस्ट बंगाल चलानी, तो कैसे लाओगे। तो ये सारे मेथड्स होते हैं, ड्राइंग, सॉल्टिंग, सॉरी, उस पर सॉल्ट छिड़क देते हैं और उसको ड्राइंग कर देते हैं, पिकलिंग, कोई केमिकल लगा के रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, मार्केट में रहें और ठीक ठाक रहें। मॉडर्न टेक्निक फ्रीजिंग और कैनिंग होती है, तो इस टाइप से ये लोग करते हैं ताकि मछली, जैसे कि हिलसा मछली जो वेस्ट बंगाल में काफ़ी फेमस है, काफ़ी महंगी आती है, शायद मैंने सुना 800 रुपये की आती है। तो इस हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फिशिंग गेयर, फिशिंग गेयर कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है कि क्राफ्ट जो है फिशिंग गेयर नहीं है, बाकी सब ये सारे जो फिशिंग गेयर हैं। और रिसेंट में मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि गवर्नमेंट ने जो ये सीन होते ना उनको बैन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि मछलियों में जो सीन काफ़ी पतले होते हैं तो उनके जो एग्स होते हैं वो जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उनका जो ग्रोथ है, जो रेट है वो कम हो जा रहा है। तो इसने उनका कहा था नहीं, इतनी मतलब सीन इतने पतले यूज़ नहीं कर जाएंगे, ठीक है। मैं न्यूज़ दिखा दूंगा आपको, कौन सी न्यूज़ होगी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बस अभी याद आया तो मैंने बता दिया। सो नेक्स्ट है डीप लीटर सिस्टम। डीप लीटर सिस्टम जो होता है वो चिकन्स के यूज़ होता है। होता क्या है, चिकन्स डीप लीटर सिस्टम में जो आप जो फ्लोर होती है ना, फ्लोर में जो वुडन का जो होता है, मतलब वुडन को जब आप कट करेंगे तो जो उसके नीचे का जो पाउडर पाउडर होता है वो यूज़ करते हैं हम उस फ्लोर पे, और वहाँ पे उसको जो चिकन्स होते हैं वहाँ रखते हैं। और प्रॉपर टेम्परेचर, मतलब विद द यूज़ ऑफ बल्ब, जो 100 वाट का बल्ब होता है उसको यूज़ करते हैं, और प्रॉपर सब कुछ पानी की व्यवस्था रखते हैं, ये सब चीज़ रखते हैं। तो वो डीप लिटर उसी को ही कहते हैं क्योंकि वहाँ पे वो वुडन ज़्यादा, मोस्टली हम लोग वुडन का ही जो है पाउडर एक्सट्रैक्ट होता है वही यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लेवल ब्रेन सेंसिंग। तो लेवल ब्रेन सेंसिंग मैं बता चुका हूँ क्या होता है, कि हिली एरियाज़ में ज़्यादातर करते हैं, एक ऐसे 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 होता है, तो इसका मतलब होता है कंजर्व वाटर करना, ठीक है। मैफिक ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन, NSSO होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो उसका काम होता है पॉवर्टी लाइन को जो डिटरमाइन करना। जैसे कि मोन्टेक सिंगाली वाले निकाला था कि शायद 36 रुपये जो कमाता है शहर में वो गरीब नहीं होता है, पता नहीं क्या एक सीन की थ्योरी थी, आई डोंट नो कौन सी थ्योरी से उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था, पता नहीं, खैर कोई बात नहीं। GDP, GDP क्या होता है, डिफर फ्रॉम द नॉमिनल GDP, अलग होता है, बेस ईयर पे होता है। GDP जैसे आप लोग कहते हैं ना कि GDP 5% बढ़ गई, तो 5% बढ़ गई तो इसमें क्या होता है कि
कि कोई एक बेस ईयर लेना होता है कि उसके रिस्पेक्ट में, कि 2010 2011 के रिस्पेक्ट में महंगाई बढ़ी है तो ये जीडीपी हमारी इतनी बढ़ गई। ये होता है मेनली कि एक बेस ईयर के कंपैरिजन में होता है। सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ये होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, सब कुछ होता है। नेक्स्ट है इफ रुपीज स्ट्रेंथ अगेन डॉलर, हाउ अफेक्ट्स इंडियाज ग्रोथ। देखिए अगर रुपया मजबूत हो, जैसे आजकल रुपया मजबूत हो रहा है, डॉलर घटला, अब घट रहा है तो अमेरिका जैसी जो कंपनियां हैं, अगर भाई रुपया मजबूत हो रहा है तो वो डॉलर में अब उनको कम चीज़ें मिलेंगी इंडिया से, तो वो क्या करेंगे कि जो चीज़ वो लोग यहाँ से इंडिया से जो है इंपोर्ट करते थे, मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट था वो जो है वो कम होता जाएगा। अब वो क्या करेंगे, नहीं बांग्लादेश चले जाएंगे क्योंकि वहाँ तो अभी उनका जो टका है वो वैसे भी अभी कम है, तो कहेंगे नहीं हम यही सेम चीज़ जो हम दूसरी जगह मिल रही है और हमें ज़्यादा मिल रही तो हम दूसरी जगह जाएंगे वहाँ से परचेज़ कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट, इससे क्या होगा कि जो हमारा एक्सपोर्ट है जो है वो डिक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है। एरगट डिजीज़ बेसिकली भी होती है, बाजरा में होती है, और एरगट डिजीज़ में जो क्लोरोसिस होता है ना, जो पत्तियाँ जो होती हैं वो उसकी येल्लोइश हो जाती हैं और पैचेस पड़ने लगते हैं, वाइट पैचेस आ जाते हैं इसमें एरगट डिजीज़ बाजरा में, और काफ़ी जो प्रोडक्शन मतलब काफ़ी हार्मफुल डिजीज़ होती है ये एरगट डिजीज़। और एक और डिजीज़ होती है एरगट से, डाउनी मेल्ड्यू भी होती है, वो भी होती है, उसमें पैचेस पड़ जाते हैं, फंगाई से होता है ये एरगट डिजीज़, क्लेविसेप्स फ्यूसीफॉर्मिस। फंगाई हिंदी में अगर कहें तो हम लोग फंगस जिसे नहीं कहते हैं वही फंगाई होती है। विच आर द फॉलोइंग अबाउट पैथोजेंस आर करेक्ट, पैथोजेंस आर करेक्ट जो होता है, पैथोजेंस जो होते हैं बैक्टीरिया फंजाई वायरस नेमाटोड्स होता है, और ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत फर्स्ट एंड सेकेंड होता है। अब स्टेम बोरर, स्टेम बोरर क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है, ये क्या होता है कि राइस प्लांट को एक तो डिस्ट्रॉय करता है। होता क्या है, स्टेम बोरर जो एक इंसेक्ट होता है, जब आप देखिए गवर्नमेंट क्या कहती है, आप नर्सरी से आप उठाइए, नर्सरी आप जाते हैं जैसे आपको राइस प्लांटेशन करना, आप नर्सरी से अच्छी उसकी किस्म की जो उसके बीज है वो लेने जाएंगे, नर्सरी जाएंगे, नर्सरी गए, अब आप वहाँ इंसेक्ट तो होते हैं, इंसेक्ट के जो उसमें एक्स जो होते हैं वो उस पर पत्तियों पे वो आ जाते हैं, तो क्या होता है रिकमेंडेशन ये होता है कि आप जो नर्सरीज लाए ना तो उसकी ऊपर के लीव्स के कुछ पार्ट जो है कट कर दें, फिर उसको मेन फील्ड में लगाएं, तो ये बच जाएंगे आप स्टेम बोरर से, तो ये काफ़ी डिस्ट्रॉय करते हैं राइस फील्ड को। तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ये कुछ इंसेक्ट और पेस्ट मैंने मेंशन किए हैं, आप पढ़ लीजिएगा और इसमें से लिखा हुआ है। पनामा वेल्ट, तो पनामा वेल्ट इज़ जो है बनाना में होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड को जैसे कुछ नहीं, तो फिर वेल्ट कॉज बाय फंगस पैथोजन, फंगल पैथोजन, पैथोजन मैंने बता ही दिया था, पैथोजन रेजिस्टेंट फंगस एंड कैन नॉट कंट्रोल केमिकली से होता है। ठीक, ये होता है लीफ लविंग, लविंग होता है तो वेल्टिंग और लीफ होता है, स्टेम जो है वो स्प्लिट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ब्रॉयलर, ब्रॉयलर क्या होता है, देखिए जो चिकन्स होते हैं 1 6 to 8 weeks या 4 to 6 weeks होता है, अब इसमें ये कहना 4 to 6 weeks होता है कि 6 to 8, अलग अलग होते हैं, मतलब एक होता है क्या, अब कोई वो नहीं है कि 6 to 8 weeks लेना, 4 to 6 weeks जो है अब वो ऑप्टिमल हम लोग करते हैं कि इतना ही होता है जाके और कुछ नहीं, लेकिन कई कई जगह बुक्स में लिखा है मैंने देखा 8 weeks of age, तो आप कन्फ्यूज़न में आएंगे तो आप कुछ भी लिख दीजिए। वैसे ये तो मैंने काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिए हैं, आपको इतना क्लोज दिया नहीं जाएगा, तो आप लगाएंगे तो 4 to 6, 6 to 8 weeks जो मिल जाए आपको वही लगा दीजिएगा। काफ़ी मुझे इसमें कॉन्ट्रडिक्शन लगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा 4 to 6, 6 to 8 weeks, इसीलिए मैंने इसको सेम रेंज कर दिया, तो आपको जो इन दोनों में से जो मिल जाएगा वो आप यूज़ कर लीजिएगा। हालांकि एग्ज़ाम इतना पास पास ऑप्शन नहीं देंगे, तो ये जैसे ब्रॉलर्स होते हैं आधर से 1.5, और हाउसिंग डीप लिटर होता है, फ्लोर ऑन केजेस होते हैं, केजेस किस टाइप से बिल्ट होते हैं, जो उनमें जो यूज़ करते हैं हम लोग स्टील वायर यूज़ करते हैं वो वैसे नहीं, मतलब मुड़े नहीं होने चाहिए ताकि केजेस जो हैं जो बर्ड्स हैं वो उनको इफेक्ट ना हो सके, काफ़ी चीज़ें, और जो मुर्गी पालने के लिए जो गाड़ी आती है वो उसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, तो कोशिश करिए कि उनको सबसे दूर रखिए इन सब चीज़ों से, और आप भी खुद दूर रहिए कि उनमें सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। अब ब्रॉयलर्स जो होते हैं वो क्या होता है, मीट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, और लेयर्स जो होते हैं वो एग प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, मेन टाइप्स जो पोल्ट्री चिकन के होते हैं, ये देखिए ग्रोइंग ब्रॉयलर्स इन डीप लिटर सिस्टम जो मैं बता रहा था, ये वुडन एक्सट्रैक्ट डाल दिया गया इसमें,
व्हाट इज द फीमेल चिकन ओवर 1 ईयर्स ऑफ एज, 1 साल के ऊपर उसको हैन को हैन लगते हैं, ये कुछ नहीं इसमें। ठीक, एम और नेशनल हेल्थ पॉलिसी, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो है वो 2.5% एम है। अभी इंडिया जो है इससे कम जो है खर्च कर रहा है हेल्थ पे, तभी आपने जैसे रिसेंट इंसिडेंट सुना होगा गोरखपुर का जो रिसेंट इंसिडेंट है वो है। तो रीज़न ये है कि गवर्नमेंट इतना खर्च ही नहीं करती हेल्थ पे, तो हेल्थ पे खर्च नहीं करेगी करेगी तो फिर क्या होगा, फिर ये सब चीज़ें होंगी। बाकी जो इतनी डेवलप कंट्रीज वो काफ़ी खर्च करती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार हमारे यहाँ, अब मेडल तो सबको चाहिए लेकिन खर्चा कोई नहीं करेगा, और वहाँ की सरकार कितना खर्च करती है अभी तो देखिए। तो यही चीज़ है, तो ये आता है एक आर्टिकल था उससे मैंने निकाला हुआ है, ये PIB की न्यूज़ थी उससे मैंने निकाला था। पॉलिसी 2.5% GDP अब खर्च करने का उनका एम है। MMR क्या होता है, मैटरनल डेथ्स जो होती है 1 लाख लाइव बर्थ्स में जो होती है उसको MMR कहते हैं। ठीक है, और इंडिया MMR 167 जो है वो है। नेक्स्ट नेशनल रूरल मिशन 2015, ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज लाइक पाइप्ड वाटर, वाटर सप्लाई, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेन्स इन अर्बन क्लस्टर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिक सर्वे कौन पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब। कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर, ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है, जो शुरुआत में तो 30% तक था और अब तो ये काफ़ी कम होता जा रहा है दिन पर दिन, हल्के हल्का कम ही होता जा रहा है, डिक्रीजिंग कहेंगे हम इसको। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जितनी ज़रूरत नहीं है लोगों की उससे ज़्यादा लोग उस फील्ड में काम करते हैं तो उसको डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट करते हैं। बेसिकली ये जो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर रूरल एरिया में ही होता है, कि होता क्या कि सीजनल होता है भाई, अभी खेती का टाइम है, ज़्यादातर लोग आके वो काम करने लगे, खेती के टाइम चला गया, सारी धान की जो फसल, जो राइस की हुई जो क्रॉप है वो अगर उन्होंने लगा दी तो इसके बाद वो चले गए, बस कोई काम नहीं है तो शहर चले गए काम करने लगे, ये होता है। नेक्स्ट ऑन विच प्लांट ग्रेग मैन, तो ये तो सिंपल है, उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। ज़्यादा फायदा रूट वेजिटेबल, तो रूट वेजिटेबल तो आप अगर आप गाँव से रिलेटेड होंगे तो आपने देखा होगा ये जो होते हैं कैरेट और पोटैटो होता है रूट। हाउ मच सीड और पोटैटो इज रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टर फील्ड, ये ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर थोड़ा आप अंदाज़ा लगा लेंगे तो आप 200 से 250 KG तक की सीड चाहिए होती है। स्पेसिंग और गोवावा, गोवावा की स्पेसिंग के लिए 5 से 6 मीटर ही होता है। किसी भी आप देखिए, अगर देखिए जितना मतलब कि छोटा वो होगा प्लांट होगा तो उसकी स्पेसिंग और पास होगी, इतना बड़ा होगा उसकी स्पेसिंग थोड़ी दूर होती जाती है, बस ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिए। ऑलरी कल्चर, ऑलरी कल्चर जो होता है साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग वेजिटेबल क्रॉप्स होता है। ठीक, ऑलरी कल्चर कहते हैं, डिफरेंट पैटर्न में लगाते हैं, ये स्क्वायर, हेक्सागन और काउंटर, इस टाइप से दे काउंटर, ये होता है। कंसाल सर प्रोटेक्टर, उस रेसिड्यू का, रेसिड्यू का जो राइस के रेसिड्यू नहीं होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, उसको मल्चिंग कहते हैं हम लोग। टिक्का डिजीज, टिक्का डिजीज जो होता है वो क्या होता है, वो ग्राउंड नेट में होता है, वो पूछ सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। संकल्प स्टैंड, संकल्प का मतलब पूछ सकते हैं, इसका होता है स्किल एक्विजिशन, नॉलेज, अवेयरनेस और लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक, ये होता है संकल्प, कौशल केंद्र, UGC, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, यूथ्स के लिए होता है और कुछ नहीं। बिजनेस एजेंसी फेजर, तो ये FIB को हटा देंगे, ये प्रपोजल था बजट 2017 का जो था उसमें आया था कि कौन सी बॉडी को हटा देंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर जो 4.1% स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये मैंने वहीं से ले लिया था। सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, सेक्स रेशियो जो है काफ़ी, जैसे केरला सेक्स रेशियो काफ़ी हाई है। जैसे कि अब आपको बताएं ब्राज़ील में जो है वहाँ फीमेल ज़्यादा है, रशिया में जो है वहाँ फीमेल ज़्यादा है, इस टाइप से। रशिया जो है सबसे ठंडा जो कंट्री है, अब मैं आपको थोड़ी बता दूँ, रशिया में काफ़ी आइसी भी जगह है जो वहाँ पे क्या कहते हैं, तो ये होता है सेक्स रेशियो। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट क्या होता है, रिलेटेड है कंजर्वेशन ट्री से रिलेटेड है। इसमें क्या होता था कि चिपको मूवमेंट के जो पेड़ काटने लोग आते थे, तो लोग जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने कहा था कि आप
जब पेड़ काटने आए तो आप पेड़ से चिपक जाओ तो नहीं काट पाएंगे, क्योंकि आप चिपकोगे तो काटेंगे नहीं पेड़ को। तो ये चिपको मूवमेंट की थ्योरी है। कोठारी कमीशन जो था वो यूनिवर्सल स्कूलिंग से रिलेटेड था, कि 10+2+3 जो थी उसके एक सेम पैटर्न के स्कूलिंग होगी वो उसका, और क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या कैसे पढ़ाई होगी, ये सब उन्होंने इस पर काफ़ी जोर दिया था। ये UGC के चेयरमैन थे, तो इस पर काफ़ी मैंने लिखा भी हुआ है। DS कोठारी थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एरिया, अर्बन एरिया तो ये हाशिम कमेटी थी उनकी, उन्होंने ये जो थी वो BPL फैमिली जो अर्बन एरियाज़ में है उसकी कमेटी उन्होंने बनाई थी, ठीक। तो ये PIB की न्यूज़ है। तो SR हाशिम थे इसके जो वो चेयरपर्सन, तो उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी ये कौन कौन बिलो पावर्टी लाइन्स हैं कौन कौन नहीं है। अब मुझे ज़्यादा डिटेल में इसका पता नहीं है, लेकिन था काफ़ी था, मतलब काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, आज की नहीं है। प्लांटिंग स्पेसिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्यों? क्योंकि अगर इस ज़्यादा स्पेस आप बीच में रख देंगे तो एक आपका स्पेस वेस्ट होगा, और वीड्स जो हैं तो अनवांटेड ग्रास जो होती वो आसानी से ग्रो कर जाएंगी। अगर स्पेस कम रखेंगे तो जो सॉइल न्यूट्रिय जो आपके जो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होगा, वो आपस में लड़ेंगे, फाइट करेंगे वाटर सॉइल न्यूट्रिएंट्स को, उससे क्या होगा फ्रूट की साइज भी कम होगी। प्रॉपर स्पेसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि जो बीच में एयर फ्लो जो है वो प्रॉपर बना रहे, फंगल डिजीज जो है वो ग्रो ना हो, इसलिए ये मेन इसलिए स्पेसिंग होती है, ठीक। इफ़ योर ग्रीन प्लांट आर नॉट येल्लो, तो इसका रीज़न तो क्लोरोसिस हो जाती है। क्लोरोसिस क्या होती है, ग्रीन होता है, ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल होती है, ग्रीन पिगमेंट वो उसी के पीछे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्लोरोफिल ख़त्म होने लगता है तो बस उसी के से क्लोरोसिस हो जाती है। ट्रीटमेंट अप्लाई फेरसल्फेट, इस टाइप आप पढ़ ले, रोटावेटर टिलेस जुताई के लिए यूज़ होता है मेनली प्राइमरी। आप सीड पहले से आप फील्ड प्रिपेयर करेंगे तभी तो सीड प्लांट करेंगे, तो रोटावेटर के लिए यूज़ करते हैं मेनली। एलोकेशन मनरेगा में कितना ये पूछ सकते हो, तो 48,000 करोड़ से एलोकेशन होता है। राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष ये 1 लाख करोड़ का है, जो अभी जो रिसेंटली यूज थी उत्कल एक्सप्रेस जो डीरेल हो गई थी, तो ये इस पे शायद आ सकता है। 1 लाख करोड़ का संरक्षक कोष है 5 ईयर्स के लिए। हिसार दाला इज ए न्यू ब्रीड, तो ये न्यू जो ब्रीड है वो मेरिनो रैम बीकानेरी ईव के क्रॉस से बना हुआ है, ये आ सकती है। म्यूल इज ए क्रॉस, तो म्यूल जो है वो क्रॉस है मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, तो इसमें दोनों ट्रेड्स होते हैं, एक तो हॉर्स फास्ट रनिंग, डंकी तो ये लोड बियरर, तो ये म्यूल उसका क्रॉस हो गया। टेस्ट ट्रैक्टिकल जो है ये क्रॉस है, ये किसके किसके, वीट और राई के, वीट का बोटानिकल नाम ट्रैक्टिकम और राई का है सिकेल सीरल, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल एवोल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड, ये हाइब्रिडाइजेशन कैटल्स में यूज़ करते हैं। एक और होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आगे है इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक होता है जिसमें सीमेन जो है लिविंग स्पर्म्स का कलेक्ट करके मेल में इंड्यूस कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, ये होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सीमेन होता है जो मेल जो होता है बुल उसका कलेक्ट करके हम लोग कर देते हैं। प्रोजेंसी टेस्टिंग, प्रोजेंसी टेस्टिंग जो होती है प्लांट्स एनिमल दोनों होती है। होता गया है कि जैसे कि कोई भी आपको जो बुल है आपको पता नहीं कि अच्छी वैरायटी का कौन सा, मतलब कि उससे जो मेल और फीमेल से जो क्रॉस होगा तो कौन सा अच्छी वैरायटी का हमें मिलेगा, जिससे जो जो दूसरी जो गाय होगी जिससे प्रोड्यूस होगी उसका दूध अच्छी वैरायटी का होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं प्रोजेंसी टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी सैंपल्स यूज़ करते हैं, काफ़ी जगहों से सीमेंस कलेक्ट करते हैं और अलग अलग जो होते हैं और पहले से ही टेस्ट का अलग टेस्ट करते हैं अलग अलग उसमें ब्रीड्स की काउस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू, और फिर देखते हैं कि उससे जो ब्रीड बनती है तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आता है। तो कई कई जगह में जैसे कि कुछ ज़्यादा ब्रीड्स की जो जो काउ प्रोड्यूस होती हैं मतलब काउ, तो वो फिर पता चल जाता है कि अच्छा ये अच्छी ब्रीड की है इनसे दूध अच्छा है, तो ये प्रोजेंसी टेस्टिंग होती है। बीटी कॉटन में क्या बेसिकुलस थुरिंगिनेसिस कहते हैं इसको। एजोला, एजोला एक एक्वाटिक फर्न होता है, फार्मिंग और फीडिंग कैटल्स को भी यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, बहुत अच्छी यूज़ होती है और कैटल्स को देते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा दूध आपको मिलता है। एजोला यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, उसमें क्या होता है साइनो बैक्टीरिया होता है मेनली,
जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, और उसको एनर्जी फोटोसिंथेसिस मींस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो होती है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है, और जो होता है ये ऑक्सीजन ऐड करता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है बायोगैस। तो बायोगैस जो होता है, ये मिक्सचर होता है, बायोगैस को या गोबर गैस एक ही बात होती है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड थोड़ी होती है, मॉइस्चर होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, एनारोबिक कहा कह सकते हैं हम लोग सब। मेन कंस्टिट्यूएंट जो है वो मीथेन होता नेक्स्ट है गैम्बुआ फिश। तो गैम्बुआ फिश जो होती है फ्रेश वाटर फिश होती है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको मेनली जो है मॉस्किटो को भगाने के लिए, जैसे मॉस्किटो जो है वो कंट्रोल करने के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए लार्वा का, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, गैम्बुशिया फिश। सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ फिश जो होता है, ये कई कई एग्जाम में मैंने देखा था इसलिए मैंने डाल दिया। तो वर्ल्ड डेवलप्ड फॉर्म एक होता है IR8 जो IRI इंस्टीट्यूट फिलीपींस, और ताइचुंग जो ताइचुंग के नेटिव हैं उनको हम लोग कहते हैं सेमी ड्वार्फ वैरायटी फिश राइस की। तो बस इतना ही आज के लिए। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई भी गलती हो तो आप ज़रूर पॉइंट करिएगा, मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। अगर गलती है तो फिर गलती है, ऐसा कोई इसमें मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं बस यही आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आएगा, और अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊँगा क्योंकि अब मैं काफ़ी फ्री हो चुका हूँ, इसलिए ओके, थैंक यू, बाय।